बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में बदमाशों का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो पुलिस की मौजूदगी में ही वारदात को अंजाम देने से नहीं गुरेज करते। ताजा मामला रेवाड़ी मोहल्ला मेहरबाड़ा से सामने आया है, जहां एसडीएम ऑफिस के एक कर्मचारी के घर में बदमाशों ने मारपीट की और इसके साथ ही तोड़फोड़ की। इसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस पूरे वाकये के दौरान पुलिस वहीं पर मौजूद थी, लेकिन मूक दर्शक बनी रही। बताया जा रहा है कि कर्मचारी सतीश शमस्तान के घर करीब डेढ़ दर्जन बदमाश लाठी डंडों के साथ घुसे और कर्मचारी के साथ घर के अन्य लोगों के साथ भी मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान घर के छह सदस्य घायल हुए, जिनमें से पांच को गंभीर चोटें लगी हैं। तो आपको बता दें कि बदमाशों का कहर एक बार फिर से टूटा है और इस बार ये पूरा मामला या फिर कहीं ये पूरी खबर हैरान करने वाली है। एसडीएम ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी के घर पर न सिर्फ बदमाशों ने धावा बोला, न सिर्फ कर्मचारी के साथ मारपीट की, बल्कि परिवार के जो अन्य सदस्य थे उनके साथ भी मारपीट की। घर का जो सारा सामान है वो तोड़ दिया गया, तोड़फोड़ यहां पर की गई। और इस पूरे वाकये के बाद, यानी कि इस पूरी खबर के बाद, इस पूरे घटनाक्रम के बाद यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। बेखौफ बदमाश इसी तरीके से अपनी कारगुजारियों को अंजाम देते हैं और फिर मौके से फरार हो जाते हैं। हमेशा की तरह एक बार फिर से पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों पुलिस यहां पर मूक दर्शक बनी हुई रही, आखिर क्यों नहीं इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई। क्या बदमाशों का खौफ पुलिस पर भारी पड़ रहा है, या पुलिस के सामने एक तरीके से कहें हम कि बदमाश और भी ज्यादा चौड़े होकर कहेंगे हम इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो इस खबर के बाद, इस घटना के बाद पूरे इलाके में एक तरीके से कहें हम कि हड़कंप है कि आखिर एक अधिकारी के दफ्तर में काम करने वाला कर्मचारी जिसके घर में इस तरीके से तोड़फोड़ होती है, मारपीट होती है, तो एक ही बड़ा वाकया देखने को मिला। बदमाशों का कहर एक बार फिर से जारी है। इस तरह से एसडीएम के कार्यालय में काम करने वाला एक कर्मचारी जिसके घर पर बदमाशों ने धावा बोला और उसके बाद मारपीट की, तोड़फोड़ की गई। और सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर पुलिस क्यों नहीं इस तरह के मामलों में जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करती है।